हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट वेरियस डॉक्यूमेंट्स बीइंग यूज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे आपको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ होता है जो किसी भी कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को इन शॉर्ट हम बोल देते हैं AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है इज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो बिजनेस की जो मैनेजमेंट होते हैं, जो मैनेज होते हैं, उन्हें जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि बिजनेस को मैनेज करते समय कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना है, किन दायरों में रहते हुए हमें अपने बिजनेस को मैनेज करना है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सभी रूल्स रेगुलेशंस को लिखित रूप से मेंशन किया जाता है किसके अंदर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक सहायक डॉक्यूमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी डॉक्यूमेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इट इज पॉपुलरली नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, कि आंतरिक मैनेजमेंट जो है उसको निर्धारित करने वाले, उसको सिखाने वाले जो फैक्टर्स हैं उसे हम किसके अंदर लेते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। अब बात आती है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, किन तथ्यों को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जगह दी जाती है। तो वो क्या होते हैं? आपके कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें सबसे पहले आता है बेटा अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लोज क्लासेस ऑफ शेयर्स। कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, और जो अथोराइज कैपिटल होगी वो भी शेयर कैपिटल होगी, वो भी किस किस तरह की कैपिटल होगी। जैसे हम कहते हैं कैपिटल को हम कई तरह के डिवाइड करते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स। तो कंपनी कुल ओन्ड कैपिटल कितनी होगी, बोरोड कैपिटल कितनी होगी, ओन्ड कैपिटल के अंदर भी इक्विटी शेयर का परसेंटेज कितना होगा, डेट कैपिटल का रेशियो, प्रेफरेंस शेयर का रेशियो कितना होगा, कितने शेयर जो है अथॉराइज शेयर में कितना पार्ट जो है वो जनरल पब्लिक को ऑफर किया जाएगा। तो वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। सेकेंड वन इज अलग अलग शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर जितने भी कहते हैं, अलग अलग क्लास ऑफ शेयर होल्डर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, तो अलग अलग जो क्लासेस के शेयर होल्डर होते हैं उनके राइट्स क्या होंगे बिजनेस के अंदर, उसको भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही डिफाइन किया जाता है। थर्ड वन इज प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर। हम जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर करेंगे, लोग हमारे जो जनरल पब्लिक में जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स को परचेज करने के लिए हमारे पास अप्लाई करेंगे। तो जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उन एप्लीकेशन के अगेंस्ट पब्लिक को शेयर्स का अलॉटमेंट करने का प्रोसीजर क्या होगा, उसको भी किसके अंदर स्पेसिफाई किया जाता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। फोर्थ वन इज प्रोसीजर ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट्स। जिन शेयर होल्डर्स को हमने शेयर्स अलॉट किए हैं उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का प्रोसीजर क्या होगा, उनको फिजिकल सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे या फिर उन्हें हम जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ई सर्टिफिकेट्स या ऑनलाइन या डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं वो इशू किए जाएंगे, कि जो भी शेयर किए जाएंगे उनको इशू करने का प्रोसीजर क्या होगा, इसको भी हम मेंशन करते हैं किसके अंदर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज रूल्स रिगार्डिंग कास्टिंग ऑफ वोट्स। अलग अलग मुद्दों पर कंपनी में अक्सर जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाती है, हम क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। तो उस तरह की मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स का वोटिंग पैटर्न क्या होगा, वोटिंग का प्रोसीजर क्या होगा, उनको किस लेवल पर वोटिंग का राइट होगा, तो उसमें क्या बोलते हैं? रूल्स रिगार्डिंग कास्टिंग ऑफ वोट्स इन कंपनी। किसी भी कंपनी के अंदर जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनके वोटिंग राइट्स क्या होंगे, किस बिहाफ पर किस लेवल पे वोट वोट्स कर सकते हैं, वो सब क्या बोलते हैं? रूल्स रिगार्डिंग कास्टिंग ऑफ वोट्स। नेक्स्ट होता है प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ
डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी के अंदर जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको चुनने का प्रोसीजर क्या होगा? कंपनी के अंदर हमारे जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको सिलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा? और कोई भी डायरेक्टर अगर उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं है तो उनको उनके पोस्ट से हटाने का, उनको उनके पद से हटाने का प्रोसीजर क्या होगा? तो उसमें क्या बोलते हैं, प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट रिलेटेड रूल्स। कंपनी के ने अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना प्रॉफिट जो है कंपनी के जिम्मे में रखना है। तो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी कि आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट हाउ मच प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड एंड हाउ मच प्रॉफिट विल बी रिटेन बाय द बिजनेस इन फॉर फर्दर ग्रोथ। तो बिजनेस के अंदर शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड दिया जाएगा और उसकी पॉलिसी क्या होगी, और पेमेंट जो डिविडेंड है उसकी पेमेंट का मेथड क्या होगा, किस प्रकार से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी। नेक्स्ट वन, प्रोसीजर ऑफ कैपिटल रीएडमिशन एडजस्टमेंट। कई बार बिजनेस के अंदर बेटा कैपिटल का स्केल है वो इंक्रीज किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है, कैपिटल जो है शेयर होल्डर से बायबैक की जाती है, शेयर्स वगैरह डिवेंचर्स वगैरह का बायबैक वगैरह होता है। तो बिजनेस में कैपिटल का रीएडजस्टमेंट किस प्रकार से होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इसको भी हम डिफाइन करते हैं किसके अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। और लास्ट होता है बेटा इसके अंदर प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी को समापन करने का, कंपनी के लिक्विडेशन का प्रोसीजर क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको हम, प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। सो फ्रेंड्स, दीज आर मेन कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन, दैट इज अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर एंड डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर। कंपनी के अंदर कितनी अथोराइज कैपिटल होगी, टोटल कैपिटल का कितना पार्ट शेयर होल्डर्स को इशू किया जाएगा, कितना प्रमोटर्स के द्वारा ही पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, शेयर्स जो हम इशू कर रहे हैं उसे क्लास कौन से होंगे, इक्विटी शेयर जारी करेंगे हम या प्रेफरेंस शेयर जारी करेंगे, तो उससे हम क्या बोलते हैं कि बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी है और डिप शेयर्स की अलग अलग क्लासेस कौन कौन सी है। सेकेंड वन, बिजनेस में जितने भी टाइप के शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हैं या डिवेंचर होल्डर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनके राइट्स क्या होंगे, इसको स्पेसिफाई किया जाता है किसके अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। कोई भी कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है तो शेयर्स को इशू करने का प्रोसीजर क्या होगा, इसे भी हम मेंशन करते हैं किसके अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। कोई भी कंपनी ने जिसने शेयर्स इशू किए हैं, जिन्होंने शेयर्स का अलॉटमेंट किया है, तो अब शेयर होल्डर्स को शेयर्स के सर्टिफिकेट इशू करने का प्रोसीजर क्या होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर ऑफ इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट वन, रूल्स रिलेटेड कास्टिंग ऑफ वोट्स इन कंपनी। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी की मीटिंग, जनरल मीटिंग में उनके पास वोटिंग राइट होगा या नहीं होगा, उनके द्वारा वोटिंग का पैटर्न क्या होगा, एक्चुअल वोटिंग होगी या प्रॉक्सी वोटिंग का प्रोविजन भी कंपनी इसके अंदर मेंटेन करेगी या नहीं करेगी। इसके बाद होता है कि कंपनी के अंदर जो भी डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको चुनने का प्रोसीजर क्या होगा और कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसके पोस्ट से हटाने का प्रोसीजर क्या होगा। नेक्स्ट वन, डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट रिलेटेड रूल्स। कंपनी
कंपनी शेयर होल्डर्स को टोटल प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेगी और कितना कंपनी के जनरल रिजर्व में ही मेंटेन करेगी, और जितना भी हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं उसकी पेमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको हम, डिविडेंड डिक्लेरेशन एंड पेमेंट रिलेटेड रूल्स। नेक्स्ट वन, कई बार बिजनेस में कैपिटल का रेशियो इंक्रीज करना पड़ता है या डिक्रीज करना पड़ता है या कैपिटल को फॉरफिट वगैरह करना पड़ता है, तो कैपिटल की री एडजस्टमेंट का प्रोसीजर क्या होगा बिजनेस के अंदर, क्या बोलते हैं उसको हम, प्रोसीजर ऑफ कैपिटल री एडजस्टमेंट। और लास्ट होता है इसके अंदर प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अगर कोई कंपनी कंटिन्यूसली लॉस में चल रही है, उस कंपनी से ग्रोथ नहीं आ रही, प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो उस कंपनी को बंद करने का मेथड क्या होगा, उस कंपनी को बंद करने का प्रोसीजर क्या होगा, इसको भी हम स्पेसिफाई करते हैं किसके अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। नेक्स्ट आता है बेटा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। तो कंपनी का जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें जो मेमोरेंडम ऑप्शन होता है उसके अंदर जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उन सभी डायरेक्टर्स की सहमति ली जाती है, उनकी सहमति होने के बाद ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बेटा इसके अंदर आता है आपका, एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल होता है कंपनी की फॉर्मेशन के अंदर। वो जो डॉक्यूमेंट है उसका इस्तेमाल बेसिकली पब्लिक कंपनी में होता है जो शेयर्स इशू कर रही है, प्राइवेट कंपनी जो शेयर इशू नहीं कर रही उसमें इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, प्रोस्पेक्ट्स। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है बेटा इसके अंदर प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है बेटा, आपको हमने पहले भी बताया था कि इट रेफर्स टू दैट डॉक्यूमेंट, इट रेफर्स टू दैट डॉक्यूमेंट विच इन्वाइट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम जर्नल पब्लिक टू परचेज शेयर्स और डिवेंचर्स। कोई भी कंपनी जब शेयर्स जारी करती है तो शेयर्स जारी करने से पहले एक अपना इंफॉर्मेशन ब्रोशर जारी करती है जन पब्लिक को, जिसमें कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी होती है, जिसमें कंपनी किस जगह कारोबार कर रही है, कंपनी का व्यापार कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, कंपनी में भविष्य की ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन लोग हैं। तो इसके आधार पर ही जनरल पब्लिक में जो जनरल इन्वेस्टर होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि इस कंपनी के अंदर हमें पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, और इससे प्रेरित होकर ही लोग कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, कंपनी में अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, प्रोस्पेक्ट्स। नेक्स्ट आता है मेन कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। कंपनी ने जो अपना प्रोस्पेक्ट्स जारी किया है उसके मेन कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें क्या क्या होते हैं, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, एंड सेकंड होता है एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, एक कंपनी का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस एक ही होता है, बाकी कंपनी ऑपरेट कई जगह से, उसमें ब्रांचेस वगैरह कई जगह पर हो सकती है। थर्ड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी। फोर्थ वन, क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ डायरेक्टर्स।
क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ डायरेक्टर से आता है। किसी भी कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के लिए, किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के लिए किसी भी डायरेक्टर के पास कम से कम कितने शेयर्स उसके पास होने चाहिए, जिसके बिहाफ पर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होने के लिए एलिजिबल होता है। तो यूजुअली किसी भी कंपनी में जो क्वालिफिकेशन होते हैं वो वैसे तो 1 शेयर होता है, बाकी अदरवाइज अलग अलग कंपनी में कितने भी हो सकते हैं। अदरवाइज कोई भी कंपनी में जो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई डायरेक्टर है, तो कम से कम कंपनी का 1 शेयर तो उसके पास होना ही होना चाहिए, जो यूजुअली कई कंपनियों के अंदर क्वालिफिकेशन शेयर का काम करता है। नेक्स्ट वन इज नेम एंड एड्रेसेस ऑफ डायरेक्टर्स, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो लिमिट होती है, बट आपको हमने पहले बताया था, दैट इज यूजुअली 90%। नेक्स्ट टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। सब्सक्रिप्शन लिस्ट, कोई भी कंपनी जो है शेयर्स जो ऑफर कर रही है, तो किस डेट से शेयर होल्डर्स कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किस लास्ट डेट तक अपने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद शेयर्स के लिए अप्लाई करना वैलिड नहीं होता। तो हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। नेक्स्ट वन इज अमाउंट पेबल ऑन, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर्स। कंपनी जो भी शेयर जारी कर रही है, चाहे वो इक्विटी शेयर जारी कर रही हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर जारी कर रही हो, तो इक्विटी शेयर्स जारी करते समय या प्रेफरेंस शेयर जारी करते समय टोटल जो भी शेयर होल्डर्स को पैसा जमा करवाना है कंपनी के अंदर, वो किस प्रकार से करवाना है, सारा पैसा एक ही साथ जमा करवाना है या कितना पैसा अप्लीकेशन टाइम पे जमा करवाना है, कितना पैसा शेयर्स के अलॉटमेंट के समय पर पैसा जमा करवाना है, उसमें क्या बोलते हैं, अमाउंट पेबल ऑन अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स है तो भी कितना पैसा है हमें इशू पे जमा करना, अप्लीकेशन के टाइम पे जमा करना है, कितना पैसा शेयर्स के अलॉटमेंट पे जमा करवाना है। नेक्स्ट, इस जो भी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, जो शेयर्स जारी कर रही है, तो इसके अंडर राइटर्स कौन कौन है। अंडर राइटर्स टू द इशू, अंडर राइटर्स बेटा क्या होते हैं, ये हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी कंपनी के अंदर जो भी वो व्यक्ति जो किसी भी, या वो व्यक्ति और फर्म जो किसी भी कंपनी के अनसोल्ड शेयर्स को परचेज करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 1 लाख और अप्लीकेशन आई है हमारे पास 95,000 शेयर्स के, तो 5,000 शेयर्स अनसोल्ड रह गए, तो जो कंपनी या फर्म इन अनसोल्ड शेयर्स को परचेज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अंडर राइटर्स। और एक होते हैं लास्ट मर्चेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स ऑफ द इशू। कंपनी जब कोई भी शेयर जारी करती है तो किसी ना किसी बैंक से कोलेबोरेशन करती है, किस बैंक के अंदर शेयर होल्डर्स, वे कंपनी का ऑफिस मालूम करते, कोई कंपनी मद्रास में है तो वहाँ पर जाकर पैसा जमा नहीं कर सकते, तो कंपनी का एक बैंक अकाउंट खुल जाता है, कंपनी एक बैंक से टाइप कर लेती है और उस बैंक के अंदर इस आईपीओ से रिलेटेड आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मर्चेंट बैंकर्स ऑफ द इशू। सो स्टूडेंट्स, दीज आर मेन कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम अदर डॉक्यूमेंट्स एंड मेजर फैक्टर्स टू बी कंसिडर और टू बी कैप्ट इन माइंड वाइल स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।